नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ऋषि मिश्रा, जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से। सर, स्वागत है सिटी पोस्ट में आपका। आप वहीं बैठे थे जहां ये बयान हुआ नीचे, प्रमोद कुमार जो भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने कहा मौसम की वजह से मंदी होती, मौसम ठीक हो जाएगा तो मंदी भी ठीक हो जाएगी। तो मैं भी वहीं पे था और मैं उनकी बातों को सुन के मुझे हंसी आ रही थी जी। और आप लोगों को क्यों आश्चर्य हो रहा है मुझे नहीं पता। देखिए, ये आरएसएस वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं। इन लोगों को साइंस पर, इकोनॉमिक्स पर विश्वास नहीं है, अंधविश्वास पर ये लोग विश्वास रखते हैं। तो अंधविश्वासी लोग हैं और अंधविश्वास करके ही सरकार भी चलाते हैं ये लोग। ये लोग जो सरकार भी जो चला रहे हैं, अंधविश्वास पे चला रहे हैं। अच्छा, इनको सरकार भी चलाना नहीं आता है। अगर यही बात है तो उनकी वित्त मंत्री हैं, जाके उनसे पूछें कि आखिर में 1,76,000 करोड़ आरबीआई से क्यों लिया, मौसम अच्छा था मौसम खराब था क्यों लिया गया, उसका भी वो उनसे जाके इकोनॉमिक समझे। अगर उनके जो वित्त मंत्री हैं, आदरणीय मंत्री जी जो हैं, अगर वो ये इस बात को बोलती हैं तो हम लोग भी विश्वास कर लेंगे जी। तब हम लोग भी अब आगे चल के आरएसएस पे विश्वास कर लेंगे। और मौसम का इंतजार करें। और मौसम तो अच्छा है अब उन लोगों के लिए, उन लोगों का मौसम खराब होने वाला है ये हमको पता है। अच्छा, युवा जो है आम जनता जो है, जो इतनी परेशान है कि आने वाले कल में इन लोगों का मौसम खराब होगा, इतना हम लोगों को पता है। ठीक, इसके पहले सुशील मोदी ने भी कहा था पितृपक्ष की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादा मंदी आ रही है। क्या ऑटोमोबाइल और पितृपक्ष का क्या रिलेशन आप देख रहे हैं? अब ये तो बस सुशील जी बताएंगे जी, आरएसएस वाले लोग बताएंगे। मैंने तो एक जगह देखा अखबार में, मेजर कंपनीज जो है उनमें कहीं कहीं 18 दिन का शटडाउन था, किसी कंपनी में 16 दिन का शटडाउन था, किसी कंपनी में 6 दिन का शटडाउन था। और मुझे तो ये भी पता चला है कि आप लोगों के जो चैनल्स हैं, अखबार हैं, वहां भी लोगों को हटाया जा रहा है। सुशील जी बताएं कि वहां क्यों हटाया गया, चैनल्स में लोगों को क्यों हटाया जा रहा है, वहां पे कौन सा भाई पितृपक्ष आ गया? तो भाई सुशील जी हैं, महान आदमी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, आरएसएस के आदमी हैं, तो इन लोगों को महान। और सर, बिहार में क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस पे आपकी क्या राय? देखिए, हर दिन क्राइम की लगभग आप खबरें भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। लेकिन हम लोगों को विश्वास है, हमको खासकर विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन क्राइम जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे गए तो यही सब होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है, आरएसएस जो है, वो इन सब चीजों पे ही काम करती है, इसलिए ज्यादा उस पर। एक लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि आप कांग्रेस से हैं, महागठबंधन से एक सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्या तेजस्वी यादव आपके चेहरे होंगे महागठबंधन के, आप कैसा देख रहे हैं? इसका फैसला हम लोग कहाँ से करें, हाईकमांड करेगा ना। अभी उसका वक्त नहीं आया, जो भी फैसला होगा यहीं पे होगा, हम लोगों का जो हाईकमांड है वही करेगा। ठीक, थैंक यू सर। ये हमारे साथ थे ऋषि मिश्रा, जो कि बता रहे थे आपको आरएसएस की सोच ही ऐसी है और मौसम का इंतजार रहेगा कि मंदी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप देख रहे सिटी पोस्ट, उम्मीद है इनके जवाब आपको जरूर अच्छे लगे। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।